ओके okay, सो so, अपना नाम बोले, पहले अपना पूरा नाम बताएं मेरा नाम प्रदीप दास पी आर ए डी आई पी डी प्रदीप दास आप कहाँ रहते हैं सर मैं कोलकाता रहता हूँ ठीक है कोलकाता रहते हैं आपको मेरा नंबर कैसे मिला आपने मेरे से कांटेक्ट कैसे किया सर हाँ सर मैं आपका यूट्यूब में बहुत इंटरेस्टेड हूँ तो आपने सबको सही रहता दिखाते हैं बहुत अच्छा लगता है

उनका के बोलना हाँ ठीक है तुम्हारा जॉब लग जाएगा और बीसा बीसा भी सब कंप्लीट हो जाएगा तुम जितना भी इंटरव्यू होगा सब स्काइप में होगा और जितना भी उसका चार्ज होगा तो देना होगा पहले मेरे को बोला थर्टी फाइव थाउजेंड देना होगा पहले थोड़ा सा आपको रोक दे यहाँ पर कि आपको कॉल आया ये मैडम कौन थी कहाँ से कॉल कर रही थी बोला था मैं दिल्ली में हूँ उनका नाम पता आपने कुछ लिया ना नाम तो कुछ नहीं बोला अनीता बोल के बोला है और बोला है, कि मैं दिल्ली में ही बोला है। तो आप सोचो कि आप नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हो कनाडा के लिए उनका वो कौन है कोई वकील है एजेंट है कौन है वो? हाँ, मैं, ओ, मैं मैं एजेंट, मैं नौकरी डॉ में काम करता हूँ मैं एजेंट भी हूँ बोले चिंता करने की कोई जरूरत नहीं मैं आपको मेल में सब भेज दूंगा मैं बोला मैम थोड़ा नाम एड्रेस कहाँ रहते है आप कौन सा बिल्डिंग है या एड्रेस क्या है बोले सब मैं डिटेल्स पूरा भेज दूंगा ओके जॉब किस हाँ, चीज की है सर फोटो सर ये प्रोडक्शन में सर प्रोडक्शन की जॉब है और ये जॉब कहां पर है सर कनाडा कुछ टोरंटो तो, में बोल रहे थे सर कनाडा में कुछ बोल रहे थे कोई शहर का नाम बताया होगा कि के नहीं कनाडा में कहां पर हां सर टोरंटो में बोले टोरंटो टोरंटो में हां सर अच्छा अच्छा कोई पीछे बोला क्या टोरंटो की आवाज आई क्या पीछे एकदम कैसे किसने बोला नहीं 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 अच्छा अच्छा ठीक है, है तो, तो तो भाई आपने मे, मेरी जितनी भी वीडियोस तो देखी हैं उसमें आज तक तो कोई असली जॉब ऑफर दिखाई पड़ा नहीं है तो आपको क्या लग रहा है कि ये जॉब असली निकलने वाला है कि नहीं है इसमें तो कुछ पता नहीं है कि कौन सा एजेंट है कंसल्टेंट है लॉयर है कौन है ये लोग जो आपको जॉब दे रहे हैं

यही थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई दूसरी बात यह है कि जो भी जॉब ऑफर देना है उसका कोई कॉन्ट्रैक्ट कागज पहले दिखाना चाहिए किसी भी जॉब सीकर को कि भाई ये जॉब है ये ये शर्तें हैं ये वो इसमें है आपको पसंद है आप करेंगे नहीं करेंगे पहले वो दिखाना चाहिए वो दिखा नहीं रहे हैं नहीं तीसरी तीसरी बात है कि लेबर मार्केट ओपिनियन जो होता है एलएमओ एलएमआईए जिसको कहते हैं वो नहीं है एल एम आई ए के बगैर कोई वर्क वीजा लग नहीं सकता तो उसके बारे में कोई बातचीत करी नहीं अभी तक ना नहीं नहीं कुछ कागज दिखाया है तो जब कि तक, जब तक तो बात, बात आपका इंटरव्यू वगैरह लिया नहीं आपका सिलेक्शन कैसे हो गया या जो भी कोई उस पर ई मेल कर रहा है सबको जॉब मिलती जा रही है ये कैसा तरीका है कोई भी कंपनी कनाडा की या चाहे इंडिया की जब जॉब देती है तो उसका एक प्रोसेस होता है उनका कोई सिलेक्शन करते हैं कोई हायरिंग उनका एक सिस्टम है ना आपको कोई ऐसे कोई इंटरव्यू हुआ ना कोई हायरिंग आपका कोई स्क्रूटनी हुई इमिजिएटली आपको जॉब मिल गई ये और शक वाली बात लगती है और तनखा कितनी बताई है सर तनख्वाह कुछ बोला सेवेंटी कुछ ऐसा बोला सेवेंटी क्या भाई सेवेंटी थाउजेंड डॉलर क्या वॉट इज सेवेंटी इंडियन करेंसी में सेवेंटी ये ऐसे बोलने से क्या होता है इंडिया की करेंसी वहाँ इंडिया की करेंसी में थोड़ी पैसे मिलने हैं वहां पर था था। पर घंटे के हिसाब से पर घंटे हाँ, के हिसाब से आपको तनख्वाह मिलनी है तो घंटे में पहले बताएं बेनिफिट्स क्या ट्रैवल एक्सपेंस कौन कौन देगा देगा रहने का कौन देगा, आ, कितना कंट्रीब्यूशन उनका है मेडिकल कवर है कि नहीं है ये सब बातें पूछनी पड़ेगी और बतानी पड़ेगी उन्हें ये कह देना कि इंडिया का सत्तर हजार मिल जाएगा इंडिया का सत्तर हजार तो कुछ भी नहीं अगर आपको इंडिया का सत्तर हजार हुआ मुश्किल से बारह सौ डॉलर तो हाँ। क्या 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 शक्ल नहीं आ रही शकल नहीं आ रही सामने आओ शकल नीचे आ, आप शक्लचे चलेगी बिल्कुल ने तो बोला जो भी तुम्हारा क्वेश्चन है जो भी तुम सुनना चाहते हो या देखना चाहते हो मैं सब मेल में कर दूंगा मैं तो अब बात कर रहा हूँ ना तो आप बता सकते आपका नाम क्या है डिटेल्स क्या है कौन सी जगह में काम करना है क्या काम करना है कौन सी कंपनी में है बोला ठीक है तुम जो पूछ रहे हो मैं हम लोग ईमेल में कर देंगे तो मुझे कुछ आप, ऐसा, आप, आप ऐसा करना आप ऐसा करना आप ऐसा करना कि मैंने जो अपना जो एक रिएक्शन जो आपने सवाल पूछे और जो भी ये बात अभी तक पता चली है उसके बारे में बता दिया कि इसमें दाल में काला लग रहा है अच्छी बात है आपको जॉब मिलनी मिलनी चाहिए वर्क वीजा मिलना चाहिए आप कनाडा जाओ खूब पैसे कमाओ मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और कई बार मेरे वीडियोस को लोग शायद ये फील करते हैं कि मैं लोगों को डिस्करेज करता हूं या लोगों की हेल्प नहीं होती है ऐसे पर मेर, मैं आपसे बात कर रहा हूँ मेरा इसमें ना क्या फायदा नुकसान क्या है इसके अंदर अगर आपको जॉब मिल रही है तो वो जॉब आपको अपने बलबूते पे मिल रही है ना मैंने तो किसी से पैसे लिए नहीं कि आपको जॉब मिले या ना मिले तो नहीं। आपको जॉब मिले और आप सही वर्क वीजा लेके शांत से यहाँ यहाँ से इंडिया से जाओ वहां पर काम करो वहां पर डॉलर कमाओ और खुशहाल रहो तो इसमें क्या बुराई है कोई बुराई नहीं है बुराई यहाँ पर है कि जॉब का पता नहीं ना किसी को जॉब भी है कि नहीं है पैसे पहले मांग रहे हैं और कई बार लोग समझते हैं कि मैं एक नेगेटिव सोच ले रहा हूँ मेरी सोच है प्रैक्टिकल और मेरी मेरी सोच है उसकी इन्वेस्टिगेटिव और प्रैक्टिकल के जो अंदर क्या है क्या रियलिटी है उसको मैं बाहर ला दिखाना चाहता हूँ कि अंदर जो आप फेस कर रहे हो कौन अनीता है कौन है ये कर क्या रहे हैं कौन है लोग इनके पास सही सामान है भी है जो बेच रहे हैं कि नकली सामान बेच रहे हैं आपको और पैसे इकट्ठे करने के लिए तो ये वो है बाकी आप उनसे एक, एक और चीज भी आप कर सकते हो कि क्योंकि आपको पता है और बाकी लोगों को पता है कि मैं इस वक्त इंडिया में आया हुआ हूँ मैं इस वक्त दिल्ली में हूँ और अगर वो भी दिल्ली में है तो भाई उसकी किस्मत भी है और मेरी किस्मत भी है मैं भी उसके दर्शन कर लूंगा अनिता जी के तो मुझे तो लगता नहीं कि दिल्ली में मतलब कहीं से बोल रहा है कहीं पर भी है वो कहीं पर भी है आप, पहले तो आपने बताया ना कि वो शायद दिल्ली में है कहीं पर भी है उनसे कह देना कि के अमरजोत जो है मेरे फ्रेंड हैं वो यहाँ पर दिल्ली में उपस्थित है इस वक्त आए हुए हैं और वो आपसे मैडम दो टूक बातें करना चाहते हैं आपको मुश्किल से पांच मिनट नहीं लगेंगे इतना बातें करना चाहते हैं अगर आप इजाजत दें तो वो आपसे बात कर ले और अगर उनको सेटिस्फेक्शन हो गया उनको विश्वास हो गया कि वो है तो जितने भी पैसे हैं उनसे कहना कि वो अमरजोत सिंह खुद आपको पैसे देंगे कि जितनी उनकी फीस फीस है ना कितनी बताई उन्होंने हाँ, उनसे मैडम थर्टी फाइव थाउजेंड नहीं हम आपको थर्टी सिक्स थाउजेंड एक हजार ज्यादा देंगे लेकिन अमरजोत सिंह आपको हाथ से अपने देंगे और कैश आपको हाथ में पकड़ पकड़ के आएंगे जहां पर भी उनका ऑफिस है तो उनसे आप जरूर कह दें कि अमरजोत सिंह का बड़ा मन कर रहा है आपसे बात करने का और अगर बात को जमी तो आपसे मिलके भी आएंगे दिल्ली में कहीं पर भी हो मैं उनसे मिलने जाऊंगा जरूर हाँ दिल्ली से बाहर हो तो मैं थोड़ा सा प्लानिंग करनी है लेकिन दिल्ली में कहीं पर भी हो क्योंकि मैं दिल्ली में आया हुआ हूँ और मैं दिल्ली में क्लाइंट से मिलूंगा तीन दिन के बाद और काफी लोगों को पता है जो देख रहे हैं इस प्रोग्राम को उन्हें पता है कौन है जो वो आने वाले मिलने तो मैं दिल्ली में मेरा एक एक हफ्ता पूरा यहाँ पर थोड़ा सा वो है स्केडूल है हमारा तो हम मिलने वाले हैं लेकिन आपकी जो कॉल आई है और आपकी जो अनिता जी का नाम लिया है मैं मैं आपको और अनिता जी को बताना चाहता हूं कि मैं बहुत ही उत्सुक हूं हूं बहुत ही मैं हूं कि मैं एक्साइटेड कि जी से मेरी मुलाकात आप करा दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी हाँ सर इसलिए मैं, मैं आपको फोन जरूरी समझा सर मैं आपका जितना भी यूट्यूब पे है मतलब जो आप दिखा देते हैं जो स्टूडेंट को या जो भी काम करने वाले मुझे मैं इस, दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सर कि बहुत अच्छा लगता है कि इतना मतलब इतना अच्छा आदमी मतलब इतना जैसे दोस्त की नहीं मतलब एक हमदर्द की तरह काम करते हैं जो बिना कुछ फॉर्मेलिटीज मुझे बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैं आपका हर वीडियो को फॉलो करता हूँ देखते रहता हूँ या कुछ भी कुछ कंट्री से मुझे काम करना है नहीं करना है इससे पहले मैं बेहतर समझता हूँ कि मैं आपसे एडवाइस लूँ क्योंकि आपका जितना भी यूट्यूब में चैनल देखा है जितना भी ने अपने जिसको बताया है ये सब सही है कि जो आपने बोला एक एक चीज सही है कि हाँ कहाँ जा रहे हो कौन सी जगह में जा रहे हो किसके थ्रू से जा रहे हो उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा किस तरह से एक पूरा एक, एक फॉर्मूला है मतलब इंसानों को दिखाते हैं सब बेस्ट है मेरे ख्याल से तो ऐसा जो बंदे हैं मतलब जो इंसान है मतलब बहुत अच्छा है मतलब ग्रेट मैम सर जी आपकी आपकी शुभकामनाएं जो आपने इस काम के लिए दिए है उसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ आभारी हूँ मैं आपका और अगर दो पैसे सबको कमाने अगर दो पैसे के साथ साथ अगर आपकी गुड विशेष भी आ जाए तो भाई सोने पे सुहागा और इसके लिए मैं आपको और जितने भी लोग इस प्रोग्राम को देखते हैं उनका मैं अपने दिल से उनको धन्यवाद मैं कहता हूँ और थैंक यू कहता हूँ कुछ पूछा कुछ आपसे पूछो सर हाँ बोले बोले आपका सवाल बोले हाँ सर मैं अगर कहीं भी कंट्री में जाना चाहता आप जानते हैं कि हाँ ये बेस्ट है, है। प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये है कि मैं किसी का नाम जबकि मैं बहुत सारे कंसल्टेंट्स को जानता हूँ इंडिया में और इंडिया के बाहर भी और कैनेडा में भी लेकिन मैं किसी का नाम लेकर किसी का प्रमोशन और किसी का एंडोर्समेंट मैं कर नहीं सकता क्योंकि किसी का नाम मैं लूंगा तो जिसका नाम छूट जाएगा तो वो हमसे अनबन हो जाएगी कि हमारा नाम कैसे छोड़ दिया तो ये बड़ा मुश्किल है कि मैं किसी को किसी का आपको रेफर करूं कि इनके पास चले जाओ आपका काम हो जाएगा ऐसा नहीं होने वाला बजाय कि आप कंसल्टेंट को ऐसे चुनो कि कौन अच्छा है कौन बुरा है मेरा फोकस है कि आप इस प्रोसेस को इस प्रोसीजर को तरीके को कानून को जानो जिससे कि आप धोखा ना खाओ ये तो ऐसी बात हुई कि जैसे हम सड़क पे चलते हैं और सड़क पे चलने से पहले अगर हमें पता हो कि यहाँ ट्रैफिक खराब है कंजेशन है कोई एक्सीडेंट है किस तरह से बचना है क्या होने वाला है आगे अगर हम अपनी तैयारी करेंगे तो शायद हमारा बचाव हो जाएगा लेकिन अगर मैं सोचूं कि नहीं मैं फलानी एक कार को चूज कर लूँ वो कार सेफ्टी के लिए अच्छी है उसको ले लूँ तो उससे एक्सीडेंट ना होगा तो बचना या ना बचना हमारे हाथ में नहीं है बेटर ये है कि हम अपने आप को मजबूत करें अपने आप को नॉलेज से अपने आप को एक जागरूक करें कि जिससे कि हमें कोई भी कंसल्टेंट हो चाहे अच्छा हो बुरा हो वो आपको बेवकूफ ना बना सके तो ये जो आपने सवाल पूछा अनीता जी के बारे में ये जॉब वगैरह दिया है तो आपने अपने आप को कुछ इंफॉर्मेशन देने की जो कोशिश करी है ये आपकी सफलता की कुंजी है कनाडा के लिए कि आपको धोखा जल्दी नहीं खाओगे अगर आप सवाल नहीं पूछोगे अगर आप उस चीज को जानोगे नहीं तो बहुत जल्दी धोखा खा जाओगे और लोग रोज मेरे पास जब आते हैं तो ऑलरेडी वो पैसे देकर आते हैं तो जब पैसे चले जाते हैं दे चुके होते हैं फिर वो कॉल करते हैं तो अब लेट हो जाता है काम लेकिन आपने पहले ही अगर पूछ लिया आप प्रिवेंशन में पहले ही आ गए तो प्रेवेंशन is always better than cure, एक पुरानी कहावत है तो आप पहले ही अपने अपने आप को अपने सशक्त कर लिया तैयार कर लिया तो ये आपकी खूबी है आपका आपका संजोग है और किस्मत है okay, थैंक यू वेरी मच बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया और uh, मैं आपका शुक, शुक्राना मैं आपको देता हूँ और मैं धन्यवाद देता हूँ मौका दिया काम को सराहा और इससे मेरे को बड़ा अच्छा लगा और आपका फायदा हुआ इससे और मेरा मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि आपके आपके और लोगों के ये बातें किसी काम आ सकी okay, ठीक है जी थैंक यू वेरी मच अनिता जी को अनिता जी को मेरा संदेश जरूर पहुंचा दें कि अनीता जी आगे। आपको पैंतीस हजार देने हैं और दिल्ली में आप कहाँ बैठी हैं आप बता दें हम आपको घर आपके पैसे देने आएंगे और जरूर मेरे को द्वारा फोन करके बताएं कि अनीता जी ने मेरा ऑफर कबूल किया कि नहीं किया ओके सर सर मच टेक केयर